नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिलीगुड़ी टुडे। मैं आप सभी के साथ उमाशा। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के भक्तिनगर थाने की पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आप सभी को बता दें कि प्रशासन ने गुप्त सूचना के आधार पर सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया। इस मामले में प्रशासन ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बरामद किए गए ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ है। यह प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। हालांकि प्रशासन ने इस ब्राउन शुगर के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं, जिनमें उन्हें कई बड़ी बड़ी सफलताएं भी हासिल हुई है। लेकिन आज का अभियान विशेष रहा, क्योंकि आज के इस अभियान में लाखों नहीं बल्कि अनुमानित 10 करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर बरामद हुए। फिलहाल प्रशासन ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन 3 आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कल सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वे 3 आरोपी एक व्हाइट वैन में मालदा से सिलीगुड़ी उस ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही प्रशासन को जब इस बात की सूचना मिली तो प्रशासन ने अभियान चलाकर सारे ब्राउन शुगर बरामद कर लिया और इस मामले में उन 3 को मौके से भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस प्रशासन और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इस बात की जांच कर रही है कि इस मामले में और कौन कौन शामिल है। भक्तिनगर थाने की पुलिस को मिली अब तक की बड़ी सफलता, अनुमानित 10 करोड़ मूल्य का ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार। भक्तिनगर थाने की पुलिस और SOG की टीम को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आपको बता दें कि पुलिस ने अभियान चलाकर सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास इलाके से अनुमानित 10 करोड़ मूल्य के ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए SOG और सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के भक्तिनगर थाने की पुलिस ने बुधवार को सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास इलाके से 4 किलो 800 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया, जिसकी अनुमानित बाजारी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार लोगों की पहचान दुर्गा सोरेन, प्रदीप मुंडा और राशिद शेख के रूप में हुई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारी मात्रा में ब्राउन शुगर मालदा से सिलीगुड़ी लाया जा रहा था। इस ब्राउन शुगर को सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास में हाथ बदलना था, लेकिन उससे पहले ही SOG की टीम और भक्तिनगर थाने की पुलिस ने वहां छापेमारी कर 3 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को गुरुवार को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस मामले में और कौन कौन शामिल है।